सॉरी बोल रहा हूँ, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ भाई। एक तमाचा मार देती, दो तमाचे मार देती, तीन तमाचे मार देती, मगर लगातार वो मुझे भी नहीं मालूम कितने मारे हैं तमाचे। तकलीफ तो हो रही है, तमाचे जो पड़े हैं 15-20 के ऊपर ही होंगे कम से कम। लखनऊ केस पे आज एक नया मोड़ आ गया। दरअसल आज तक में बात करते हुए ओला ड्राइवर सादत अली ने कहा है कि लड़की के एक एफआईआर पर मुझे 24 घंटे तक जेल में रखा गया, लेकिन मेरी एफआईआर के बाद अभी तक लड़की को गिरफ्तार नहीं किया गया है और मैं इस हादसे को जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आइए सुनते हैं सादत अली ने क्या कहा। आत्मसम्मान तो मेरा चला ही गया, मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए और इनको जल्द से जल्द कानून कार्रवाई। मैंने एफआईआर तो दर्ज कर दी, मगर अभी पुलिस ने अभी तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया। सादत अली ने बड़ा जोर देकर कहा है कि मैं एक ओला ड्राइवर हूँ, मेरी 1,000 रुपए से ज्यादा की कमाई नहीं, मैं 5 लोगों को परिवार पालता हूँ और 4 दिन से मैं घर में चुपचाप अकेले बैठा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, मैं अपने परिवार का और अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊं। सादत अली की बातों में कहीं ना कहीं ये सच्चाई नजर आ रही है कि एक लड़की की शिकायत पर जिसे 24 घंटे अंदर रखा गया, जिससे 10,000 रुपए लिए गए, जिसके भाइयों को भी 151 एक सेल्फ गेम खेला है। लड़की ने मीडिया के सामने बात करते हुए कहा कि दिमाग का इलाज चल रहा है, मैं काफ़ी टाइम से बीमार हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लड़की खुद को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सादत अली की ये बात कि अगर लड़की को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, मैं सादत अली की बात से आप सहमत हैं या नहीं हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अनु न्यूज़ पर ऐसी खबरें आपको मिलती